मनीषा रानी आज ऑफिशियली ट्रेंड हो रही हैं हर प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, ना ही सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बल्कि हर जगह मनीषा रानी के चर्चे हैं। और क्या ट्रेंड हो रहा है? सैवेज बॉस लेडी मनीषा रानी। जी हाँ, आज सुबह से ही मनीषा रानी ट्रेंड हो रही हैं और चर्चाओं में हैं। और देखिए, टॉक ऑफ द टाउन आज बनी है मनीषा एक वजह से, और वो वजह है मनीषा रानी का एक तो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने क्या खुल के और क्या बेबाकी से अपनी राय रखी है यार। मतलब क्या खुल के उन्होंने चीजें बोली हैं, क्या खुल के उन्होंने बताया अपने सभी फैंस को अबाउट होल इंसिडेंट, अबाउट जो भी कंट्रोवर्सी हुई मनीषा रानी की एल्विश यादव के साथ, वो वीडियो को लेकर जो बहुत सारी बातें मनीषा रानी के लिए कही गई कि भाई ये तो स्पॉन्सर्ड वीडियो था, इसके लिए मनीषा को पैसे मिले, इसके लिए ऐसा हुआ, इसके लिए वैसा हुआ, बहुत सारी बातें मनीषा के लिए कही जा रही थी, स्पेशली एल्विश आर्मी की तरफ से, एल्विश यादव की फैंडम की तरफ से। लेकिन उन सभी पर जवाब दिया है मनीषा रानी ने, और वो भी बहुत तगड़े वाला जवाब दिया है इंटरव्यू में। मनीषा रानी ने कहा है इंटरव्यू में, देखिए, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं था वो। उन्होंने कहा कि अनफॉलो वाला जितना भी वो पूरा सिनेरियो हुआ था, वो पूरा एक सच्ची घटना थी, वो उनको दिल से लगी चीजें कि उन्हें आकर बोलना चाहिए, अपने फैंस को बताना चाहिए उनको कि भाई क्या कुछ हुआ था उनके साथ और किस वजह से उन्होंने एल्विश यादव को अनफॉलो कर दिया, जबकि एल्विश के साथ उनकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग नजर आई थी हमें बिग बॉस के टाइम पे। तो क्या कुछ हुआ था मनीषा रानी ने इस पूरे इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया। और देखिए, तभी से ही मनीषा रानी के फैंस कह रहे हैं कि भाई वी आर प्राउड ऑफ मनीषा रानी। और इसी के साथ ही एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो ट्रेंड हो रही हैं ऑफिशियली, और डेफिनेटली उनके सैवेज आप नेचर कह लीजिए, उनके बेबाकपन कह लीजिए, हर एक चीज को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। सैवेज बॉस लेडी मनीषा रानी ऑफिशियली आज हर जगह पर ट्रेंड हो रही हैं, और आई थिंक ट्रेंड होना डिजर्व भी करती हैं मनीषा रानी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभिषेक कुमार का गाना खाली बोतल अब कल रिलीज हो रहा है, कल सुबह 11 बजे टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये गाना आ जाएगा। लेकिन इसी बीच अभिषेक ने फैन से एक अपील की है, अभिषेक ने फैन से कुछ कहा है अबाउट दिस सॉन्ग। और देखिए, एक्साइटमेंट लेवल जितना ज़्यादा फैंस के बीच में है अभिषेक के गाने को लेकर, अभिषेक के साथ इसमें आयशा खान नजर आ रही हैं, आज टीज़र आया, टीज़र ने धमाका कर दिया, टीज़र ने धमाल मचा दिया। लेकिन जितनी एक्साइटमेंट आपको फैंस के बीच में दिखेगी इस गाने को लेकर, उससे कई ज़्यादा, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि उससे दोगुना एक्साइटमेंट अभिषेक कुमार में है इस गाने को लेकर। डेफिनेटली अभिषेक बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस सॉन्ग को लेकर अपने। और देखिए, खाली बोतल को इसीलिए वो बार बार प्रमोट कर रहे हैं, बार बार अपने स्टोरीज पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो डेफिनेटली बता रहे हैं फैंस को कि भाई ये गाना कल आ रहा है और डेफिनेटली आपको देखना है ये गाना, क्योंकि बहुत बेहतरीन शूट हुआ है। ऑफकोर्स अगर आप टीजर पे एक नज़र डालेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे संजय लीला भंसाली की कोई मूवी चल रही हो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक गुलशन कुमार और भूषण कुमार का एक टी सीरीज का गाना है। ऐसा लग रहा है जैसे संजय लीला भंसाली सर की एक बेहतरीन मूवी चल रही है, और मतलब कमाल की इसमें आपको इंटेंस लुक और इंटेंस और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ करनी होगी, वो सब कुछ चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन एक बार फिर सुनिए अभिषेक कुमार ने इस गाने को लेकर क्या कहा है फैंस से, उन्होंने क्या रिक्वेस्ट और क्या अपील की है, एक बार फिर सुनिए अभिषेक कुमार क्या कह रहे हैं।